शालूम अलेकुम। मसीह यस्सू के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि मैं अदील पत्रस चौधरी, चेयरमैन जीजस एम्ब्रेसिस ऑल नेशन, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज आपको मैं खुदा की बेटी फकरे पाकिस्तान से मुतारफ करवाता चलूँ, जिन्हें खुदावन ने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि एशिया के लिए बाई से बरकत ठहराया। पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करने वाली ट्विंकल सुहेल एशियन गोल्ड मेडल मसीह कौम को तुम पे नाज है। वर्ल्ड कप में तहलका मचाने के बाद एशियन पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडल ट्विंकल सुहेल जिंदाबाद। ट्विंकल सुहेल तेरी अजमत को सलाम। फकरे पाकिस्तान मसीह कौम का चमकता सितारा। फकरे एशिया पहली पाकिस्तानी खातून एशियन गोल्ड मेडल पावर लिफ्टिंग ट्विंकल सुहेल कराची आमद पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मैंने मुतारफ करवाया खुदा की बेटी फकरे पाकिस्तान से, जो कि एक मसीही बेटी है जो कराची चैंपियनशिप के बाद पहली मरतबा तशरीफ ला रही हैं। 2015 में ओमान मस्कत में चैंपियनशिप के दौरान पहली मरतबा पाकिस्तान से एक मसीह बेटी, जिस पे हमें फख्र है और नाज है। इसी तरह और भी नौजवानों को हम प्रमोट करना चाहते हैं, उन्हें चाहते हैं कि स्पोर्ट में भी हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जिस तरह खुदा ने अपनी बेटी को मुल्क पाकिस्तान के लिए नाम फख्र से सर बुलंद करने के लिए इस्तेमाल किया, आज वो हमारे दरमियान कराची तशरीफ ला रही है। लिहाजा इस दौरान जो उनके 3 से 4 रोज का स्टे कराची में होगा, उस दौरान हमने मुख्तलिफ सियासी मजहबी व समाजी लोगों के साथ मीटिंग्स अरेंज कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि चर्चित से यूथ हमारे साथ जरूर राब्ता करें ताकि हम इस खुदा की बेटी को फकरे पाकिस्तान को आपसे जरूर मिलवाएं, ताकि आपकी भी हौसला अफजाई हो और हमें जरूर है कि खुदा की बेटी जो कि आने वाले वक्तों में और आने वाले 1 से 2 बार में अमेरिका में जाकर एक इंटरनेशनल लेवल पर फिर पार्टिसिपेट कर रही है, इन्हें अपनी गाँव में हम जरूर याद रखें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जरूर है इस बेटी की हौसला अफजाई करें, क्योंकि फकरे पाकिस्तान है ना सिर्फ इसमें मसीहत का बल्कि मुल्क पाकिस्तान का नाम सर फकर से बुलंद किया। और मैं चाहूंगा ना सिर्फ मसीह बल्कि हमारे मुस्लिम भाई और हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हमारे लोग, वो सब हम मिलकर खुदा की बेटी के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए फकर करते हैं कि इसी तरह ना सिर्फ हम में से बल्कि जो भी खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए मुल्क का नाम फकर से बुलंद करता है, हम उनके साथ है। इससे पहले भी जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम फकर से बुलंद किया, हम उनको भी सलूट पेश करते हैं, ताकि खुदा इसी तरह हमारे मुल्क को दुनिया में एक अमन का पैगाम और हर लिहाज से सिखाए लोगों को, और ये बताए और ये मैसेज दे कि हमारे मुल्क में हर तरह से लोग बसते हैं जिनमें टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। लिहाजा कराची आमद पर खुदा की बेटी तशरीफ ला रही हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए आप अपने प्यार का, आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। अगर कोई उनको हार, कोई शीर, कोई गिफ्ट या किसी किस्म की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है, अगर मिलना चाहता है, तो उसके लिए भी हम आपको मौका देते हैं कि आप जरूर है कि हमसे रब्ता करें, ताकि आप भी उस खुदा की बेटी फकरे पाकिस्तान से मुलाकात करें। हम चर्च से भी ये मधु है कि आप भी अगर चाहते हैं कि खुदा की बेटी आपके चर्च जाए और यूथ के साथ बैठकर उनकी हौसला अफजाई करे, उनको कुछ बातें सिखाए कि आने वाला वक्त और इसी एज में, इन जवानी के आयाम में हम अपने आप को स्पोर्ट की तरफ भी लेकर जाए, मजहब की तरफ भी लेकर जाए, ताकि मुल्क का और अपनी कौम का नाम सर फकर से बुलंद करें। लिहाजा अगर आप चाहते हैं खुदा की बेटी से मिलना, तो आप जरूर है कि खुदा के बंदा मोहतरम जनाब चौधरी पत्रस सरदार भट्टी, चेयरमैन मिनाटी अफेयर सेल, कौमी कमीशन बराए कानून और इंसाफ, पैनल मजाइब हम आंगी और इंसानी हकूक हुकूमत पाकिस्तान, आप इनका नंबर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप जरूर है कि इनसे राबता करें। अगर कोई चाहता है कि खुदा की बेटी और इसके अलावा इनके साथ रफीक मसीह, जो कि कैप्टन कबड्डी प्लेयर है, ऑल पाकिस्तान रेलवे पुलिस कबड्डी टीम के जो कैप्टन हैं, वो भी इनके साथ तशरीफ ला रहे हैं, अगर आप इनको चाहते हैं कि ये आपके घर में आए, आपके साथ लंच करें, आपके साथ डिनर करें, तो जरूर है कि आप चौधरी पत्रस साहब से राबता करें, ताकि हम आपके साथ मिलकर खुदा की बेटी जो फकरे पाकिस्तान है, हम सब मिलकर इस बात पर फकर करें और खुशियों के साथ एक दूसरे से और नौजवानों को ये मैसेज दें कि ना सिर्फ मजहब में बल्कि वे स्पोर्ट में भी और मुल्क के लिए हर तरह से अपने आप को हर लिहाज से खिदमत में पेश करना है, ताकि मुल्क हमारा सरफराज हो, बरकत पाए और अमन आए। लिहाजा खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस गवाही टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।